हेलो एवरीवन, आई एम राहुल विश्वकर्मा। आपको पता है जैसे आपके पेपर अपलोड हो चुका है, ठीक है। आपके जो पेपर अपलोड हो गए उस पेपर्स को अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के लिए आज जो अपन पेपर जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है जूलॉजी का पेपर, ठीक है। जूलॉजी का पेपर पेपर फर्स्ट की अपन डिस्कस कर रहे हैं। जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है ब्रैकियोस्टोमा पूछा गया है, टाइप ऑफ स्किन और डिस्क्राइब द फंक्शन, ठीक है। इसके बाद रेप्टाइल और मैनल्स के अपने को इनके इनको अपने को कंपेरिजन करना है। फिर इसके बाद लेकार्मिक स्कीम पूछा गया है। फिर उसके बाद फोसाइल, ये पांच क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका अपने को एक्सप्लेन इनका डिस्क्राइब करना है। ओके, चलिए इनके आंसर देखते हैं अपन। ये रहा इनके फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट का आंसर आपको ये लिखना है, इसमें आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका डायग्राम, आप देख लीजिए इनके डायग्राम को। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम को आपको बनाना है। ये डायग्राम के साथ साथ इनका अपने को एक्सप्लेन देना होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे के आप इनको लिख सकते हैं। ये पूरा आपको इनमें से आप शॉर्टकट कर करके इसको आप इसको मेंशन करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस जो है वो आपका स्किन बेस्ड है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्किन एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आप किसी भी की भी की स्किन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फिश का स्किन को डिस्क्राइब किया है और सेकंड आपको इनके बाद रेप्टाइल की स्किन को एक्सप्लेन किया गया है। तो इनमें से किसी के भी स्किन को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बाद इनका एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब आपको जो है पूछा गया रेप्टाइल और मेमालिया का इनके कंपैरिजन पूछा गया है। तो इनके कंपैरिजन जो है आपको सिर्फ ये पांच का मैंने दिया लिखा है, लेकिन आपको सिर्फ यही लाइन का लिखना पड़ेगा और इसके लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। इनके कम से कम आपको सात पॉइंट तो लिखने ही होंगे, तो आप इसमें सात पॉइंट इनमें से देख के लिख सकते हैं। पोजिशन ऑफ हार्ट बॉडी, तो ये आपका दे सकता है ये पहला पॉइंट। याद रहे आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से पॉइंट को लिखना है, सिर्फ रेप्टाइल का लिखना है, मेमालिया। तो ये इतने प्रकार के होते, तो इनमें एक्सप्लेन लिजार्ड को किया गया और रैबिट को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आप इनका देख के आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं, इनके एग्जांपल्स को। ओके, तो ये इनमें जो प्रॉपर्टीज़ है, कम से कम आपको मैंने आपको 10 का एग्जांपल दिया गया है, ये 10 है, लेकिन आपको कितनी लिखनी है इसमें, आपको लिखनी है कितनी, कम से कम सात तो आपको लिखनी ही होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लेकार्मिक के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें अपन ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपके पूछा गया है ये, तो आपको इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, है ना। तो ये इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप इनके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो लास्ट क्वेश्चन इसका फसाइल, इनमें जो है इसको हिंदी में जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप से लिखे गया है, इनको काइंड दिया गया है, उनके टाइप दिख रहा है आपको, टाइप ऑफ, है ना। तो ये रहा इसमें, तो ये यहाँ से आप इसका देख के आप इनको लिख सकते हैं। ये इतने प्रकार के होते हैं, टाइप के होते हैं, तो आप इनको बिल्कुल यहाँ से देख के लिख सकते हैं। बार फिर से पूरा रिवाइज कर रहे हैं उल्टे क्रम में। आप इन सभी के क्वेश्चन का आंसर जो है शॉर्ट फॉर्म में देख के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता बायोलॉजी में काफ़ी लॉन्ग होता है। तो इसको आपको अपने शॉर्ट के हिसाब से, जैसे कि आपको बताया 16 पेज में आपको उनके आंसर्स को आपको पूरे कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो आपको इनके पूरे आंसर जो है वो 16 पेज में ही लिखने होंगे। ये वाले क्वेश्चंस के लिए आपको बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सप्लेन करना है, आपको ये जो बीच की दो लाइन है इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, रेप्टाइल को। ओके, ये रेप्टाइल और मालिया, इनको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है बस। ओके, बाकी ये आपका पेपर है जूलॉजी फर्स्ट का।
इनको आप देख के लीजिए, कंप्लीट करिए, ठीक है, और टाइम से पहले जमा के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बच्चों तक शेयर करते रहिए। थैंक यू।